और आज से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आज हो रही है। परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 28 प्रदेशों से सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी देंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि आज पुलिस भर्ती परीक्षा है। ऐसे में पहले से ही प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही थी लगभग, जो कि पूरी हो चुकी हैं। आज से सिपाही भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। 60,000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों में आज परीक्षा हो रही है। 60,244 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो परीक्षा के लिए कुल 48,17,441 अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल होंगे। 28 प्रदेशों से सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा शुभारंभ हो चुकी है। खासतौर से गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में 50 सेंटर बनाए गए हैं। अभी सभी सेंटरों पर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के सेंटर ड्यूज डिग्री कॉलेज, जहां पर एक एक करके अभ्यर्थी को अंदर लिया जा रहा है और खासतौर से उनके सब डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। उनके पास किसी तरह के डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न हो, उसकी सघन तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ उनका आधार कार्ड और उनका जो प्रवेश पत्र है, उनकी सघन चेकिंग करने के बाद एक मोनोग्राम उनके प्रवेश पत्र पर लगाया जा रहा है। जब वेरीफाई हो जा रहा है, उनका अंगूठा लगाने के बाद जब वेरीफाई हो जा रहा है, तब उनको एंट्री अंदर दी जा रही है। इन तस्वीरों में कि जो पुलिसकर्मी है, जो इनकी सुरक्षा में व्यवस्था में लगाई गई है, किसी अभ्यर्थी को किसी तरह की असुविधा न हो, किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखते हुए एक एक करके लोगों को एंट्री कराने में सुरक्षा कर्मी, राजस्व विभाग के कर्मचारी या विद्यालय प्रबंधन के लोग लगे हुए हैं। सुचिता पूर्वक पुलिस भर्ती परीक्षा दोनों पालियों की कराने के लिए कटिबद्ध गोरखपुर का जिला प्रशासन है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पर मौजूद हूं। अभ्यर्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था और आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी अभी यहां इक्का दुक्का बचे हुए हैं वो अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं और रोल नंबर चेक करने के बाद वो अंदर जाएंगे। उसके बाद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी, EKYC कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की परीक्षा में चूक ना हो सके। आप देख सकते हैं कि ये गेट के बाहर जो अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं उनको चस्पा किया गया है, वो अपने रोल नंबर के अनुसार अंदर जाएंगे और अपने अपने रूम में जाएंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुन्ना भाइयों ने सेंधमारी की थी, जिसके बाद भर्ती परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, 23, 24 और 25। साथ ही साथ इन 3 दिनों के अंदर अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो व्यापक प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी एक्टिव किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई परीक्षा में चूक ना हो सके। हालांकि कल गोरखपुर से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर उनके पास 5 अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र रखी जा रही हैं ताकि कहीं पर भी परीक्षा में सेंधमारी ना हो सके। इसको लेकर STF हो, UP पुलिस हो, स्थानीय पुलिस हो, साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिव रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आलोक के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ प्रदेश पुलिस। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि गाजियाबाद की है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं और प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम हापुड़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से
प्रशासन मुस्तैद है और परीक्षा जो कि कड़ी सुरक्षा के बीच में कराई जा रही है। अगली तस्वीर हम आपको हरदोई की दिखा रहे हैं। हरदोई में भी आप लंबी कतारें देख सकते हैं जहां पर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जो अभ्यर्थी वो कतारों में लगे हुए हैं। चौथी तस्वीर फिरोजाबाद की हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर झांसी की है जहां पर अभ्यर्थी जो कि इंतजार कर रहे हैं एकजुट होकर परीक्षा के लिए। और छठवीं तस्वीर रामपुर की है जहां पर आप स्ट्रांग रूम की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरी तरह से एजेंसियां अलर्ट हैं और परीक्षा को चौक चौबंद तरीके से कराया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हमारे साथ हमारी संवाददाता वर्षा शाही जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से, जितेंद्र गौतम और मोहसिन खान हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वर्षा, आपसे समझना चाहेंगे कि लखनऊ में जो परीक्षा आज आयोजित हो रही है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और चूंकि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पहुंचने शुरू हो चुके हैं तो ऐसे में वहां पर क्या किस तरह की व्यवस्थाएं जो प्रशासन की ओर से की गई हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, लगभग परीक्षा तो शुरू हो चुकी है क्योंकि 10:15 हो रहा है इस समय। परीक्षार्थी अपने कमरे में हैं और यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। और देखिए, लगभग 3 लाख ऐसे परीक्षार्थी थे जिनको संदिग्ध माना गया था, उनको पहले मतलब 9 बजे बुलाया गया था, उनकी जांच पड़ताल की गई थी, AI के जरिए जाँच हो रही थी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये लाने को उनको बोला गया था। उस तरीके से भी जाँच हो रही थी कि आखिर इनको पहले बुलाकर किस तरह से जाँच पड़ताल की जा सके, क्योंकि देखिए जो पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है ये साफ होता है कि इस बार की परीक्षा कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरह से खामियां रही, उसके बाद ये जो परीक्षा हो रही है उसको लेकर जो तैयारी थी उसके लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी नजरें बनाई रखी और अभी भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं कि किस तरह क्या चीजें हो रही है, किस तरह से परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, लगातार DM, SDM और सारे आला अधिकारी जगह जगह सेंटर पर जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वहां परीक्षा कैसी चल रही है, कैसे क्या चीजें हो रही है। DGP की तरफ से भी निर्देश आया है कि ये परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिस तरह से सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां अभ्यर्थी आएंगे, किस तरह से उनकी एंट्री होगी, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजों पर भी नजर रखा जा रहा है। वॉर रूम बनाया गया है कि कैसे पेपर उस जगह से निकलेगा जिस सेंटर पर आएगा। 15 मिनट का समय होगा, उस 15 मिनट के समय में ही अभ्यर्थियों के कॉलेज में ये पेपर लाया जाएगा और किस तरह से ले जाकर ये जमा कराया जाएगा, उस सब जगह पर नजर रखी जा रही है। जिस तरह से देखिए कल भी इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया था, DGP ने निर्देश जारी किया था कि 23, 24, 25 तारीख को होने वाली परीक्षा में ये साफ देखा जाएगा कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ परिवहन विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से भी बसें चलाई गई, अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनें चलाई गई, तो ये साफ होता है कि इस बार की परीक्षा कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज लेकर आई है। क्योंकि देखिए, राजनीति की जाती है जब भी कुछ चीजें बड़ी होती हैं, और क्योंकि दोबारा ये परीक्षा कराई जा रही है तो एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह इसको खत्म किया जाए, किस तरह से ये परीक्षा सही से हो सके। तो ये सारी चीजें देखने के लिए पूरी तरीके से हर कोई मुस्तैद है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी लगाए गए, LIU ऑफिसर्स लगाए गए, देखा जा रहा है जगह जगह सेंटर्स पे कि किस तरह से चीजें की जा सकती हैं, अभ्यर्थियों को बताने के लिए उनके सेंटर्स पे किस तरह जाना है, क्या करना है, उसके लिए भी कुछ कर्मी लगाए गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रशासन और जो अभ्यर्थी हैं सभी तैयारी में हैं, क्योंकि पहले पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है ताकि अब जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनका जो भविष्य दांव पर लगा है वो एक सार्थक रूप ले सके। गाजियाबाद में किस तरह से परीक्षा आयोजित की जा रही है, जितेंद्र इसकी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 20 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें लगभग 8,500 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और इस वक्त परीक्षा शुरू भी हो चुकी है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के एक ऐसे ही सेंटर पर मौजूद हूँ जहाँ पर UP पुलिस की जो एग्जाम है वो चल रहे हैं और गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है,
और क्योंकि ये यूपी पुलिस की जो परीक्षा है ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के जो साख है उस पर भी दाव लगाने का काम है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी और लगातार जो है जिस तरह से लगातार भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं उसके बाद अब ये परीक्षा है, तो ऐसे में यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहेगी कि इसमें किसी तरह का भी जो लीक पॉइंट है वो ना हो, जिसको लेकर काफ़ी अच्छी तैयारी भी की गई है। और इस बार सबसे बड़ी बात ये इसमें रही है कि जो संदिग्ध विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर पहुँचे उनको कुछ समय पहले बुलाया गया, उनकी अलग से जांच की गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी सबके आई कार्ड को चेक किया गया है। तमाम जो कुछ हो सकता है वो गाजियाबाद में काम किया जा रहा है। इसके अलावा हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हैं और साथ के साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा आ जाए ड्रोन के जरिए भी लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हर एक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है, जो लगातार यहां पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि परीक्षा शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी 10 से 12 बजे की जो परीक्षा है वो चल रही है, उसके बाद जो दूसरी परीक्षा होगी वो 3 से 5 बजे तक चलेगी। इस भर्ती को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें इस तरह का कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि चलिए ठीक है। नीलेश, आप इस वक्त जिस सेंटर में मौजूद हैं वहां किस तरह से पूरी प्रक्रिया संपन्न की गई है पहली पाली के लिए और आगे की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? को लखनऊ विश्वविद्यालय से दिखाएंगे का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पुलिस व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो करीब 10 गेट है लखनऊ विश्वविद्यालय में। ऐसे में पूरे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सहयोगी आलोक के कहूंगा तस्वीरें दिखाई कि ये वो गेट है जहाँ पे अभ्यर्थियों को एंटर कराया गया था और आप पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो बिना परमिशन के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है पुलिस भर्ती परीक्षा को सफल संपन्न कराना। ऐसे में परीक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल, परीक्षाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि ये दूसरी बार परीक्षा हो रही है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मोहसिन, अगर आप जिस सेंटर में इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं वहां किस तरह से तैयारियां देखने को मिली हैं? देखा दीपिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त मैं राज के इंटर कॉलेज सेंटर के बाहर हूं जहां पर परीक्षा शुरू हो चुकी है और परीक्षा शुरू होने के बाद में मेन गेट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। अब किसी को भी ना तो अंदर जाने की अनुमति है ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाएगा। जहां तक अगर बात करते हैं कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराया जाए उसको लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने 6 लेयर का सिक्योरिटी प्लान लागू किया है, जिसमें KYC, आधार कार्ड और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, चूंकि पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी